क्रिकेटर है, बहुत ही खुश नसीब है कि वो लिखवा सकते हैं। तो धन्यवाद। यहां पे अगला मुकाबला, यहां पे टंडेल 11 और धरम 11 के बीच में। टंडेल 11 ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। अच्छी शुरुआत यहां पे, अच्छी शुरुआत गेंदबाज के द्वारा सोहिल टंडेल के द्वारा, अच्छी शुरुआत। रेगुलर अरुण और प्रभात की जोड़ी मैदान पर। बल्लेबाजी करने के लिए और देखो यहां पे हाजिरी लगाई है, क्या ये दर्शक कैच करेंगे और फैंसी वॉच पाएंगे? जी हां, यहां पे कैच कर लिया गया है। धोनी 11 के कप्तान राकेश ने इस बार दर्शक बन के ये कैच किया है। तो देखो आज की शुरुआत बहुत अच्छी हुई, सिक्सर कैच वाली, फैंसी कैच वाली। राकेश ये पांचवे बने हैं आज। देखो रजनीकांत सर, आज दर्शकों का दिन है, फील्डरों का हो के न हो, लेकिन दर्शक आज ने, दर्शकों ने खुश किया है। आज कोई कैच भी नहीं छूटा है ये फैंसी कैच का। अच्छी शुरुआत यहाँ पे हाजिरी लगा ली है हमारे प्रभात भाई और अरुण भाई ने कि भाई जी हाँ हम आगे फिर से एक बार, पिछली मैच में 103 मारे थे और अभी हम भी तैयार है। सर पर सूरज है और सामने सवार है गेंदबाज और हम अपना बल्ला लेकर के हम भी सवार है बल्लेबाजी करने के लिए। इस बार हल्के से खेल दिया है। कवर पॉइंट रीजन में गेंद जा रही है सीमा रेखा की, दो फील्डर पीछा कर रहे हैं, रोक पाएंगे या नहीं? जी नहीं रोक पाए। यहां पे अंपायर आसिफ भाई का इशारा आता हुआ, चार रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ डबल अंकों में 11 रन। अच्छा आकर्षक स्ट्रोक फिर से एक बार, ये देखो मिड ऑफ के फील्डर काफी प्रयास कर रहे थे। हेलो, और प्रयास में सफल भी हुए, 12 रन टीम का स्कोर है। तो हम जब आएंगे फैंसी वॉच की ओर, प्रति ओवर एक एक वॉच जा रही दर्शकों के हाथ में, लेकिन इस बार धोनी 11 के कप्तान बिल्कुल नाखुश हो गए अपनी टीम के प्रदर्शन से, लेकिन अपने कैच से कितने ज्यादा खुश है वो फैंसी वॉच बताएगी। और फैंसी कैच आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, फैंसी कैच में मैंने एक वॉच प्राप्त की है और मैं फैंसी फैमिली को बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि एक बाहर के दर्शकों के लिए जो आपने ये फैसिलिटी रखी है वो हर साल रखे इसी तरह, और थैंक यू फैमिली फैमिली, थैंक यू। तो ये वॉच जाती हुई, सबका ड्रीम सबका सपना फैंसी कप में खेलना, लेकिन दर्शकों के लिए सपना फैंसी वॉच जीतना। थैंक यू, धन्यवाद राकेश भाई। देखो ये थे राकेश धोनी 11 के कप्तान, हर साल ये प्राइज रखेंगे, बिल्कुल ये रहेगी आपके लिए, दर्शक के लिए, क्योंकि बिना दर्शक थोड़ा सा लूखा लूखा लगता है। और ये यहाँ पे होता हुआ लास्ट ईयर देखो, जब फाइनल मैच में मोबाइल मिला था, और इस बार 11,000 रुपये का नगद पुरस्कार मिलने वाला है जो कि फाइनल कैच पकड़ेगा इस टूर्नामेंट का। तो ये बड़े बड़े इनाम है यहाँ पे। एक ओवर 12 रन टीम का स्कोर है। टंडे 11 के कप्तान को मैं निवेदन करूंगा 12वें खिलाड़ी को भेजे प्लीज।
और ये देखो स्वीप मारने का प्रयास किया था यहाँ पे, लेकिन नहीं सफल हो पाए बल्लेबाज प्रभात। ये फुल टॉस को क्रॉस बल्ले से खेला था, मिड विकेट के पार निकालने का प्रयास, लेकिन फील्डर वहां पे तैनात है इसीलिए इतने ज्यादा रन तो नहीं मिल पाएंगे। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ इसी एक रन के जरिए आगे बढ़ता हुआ 13 रन। दूसरे ओवर में प्रभात भाई 3 गेंदों में 7 रन बनाकर 1 छक्के की सहायता से, और वही 6 रन 5 गेंदों में बनाया है 1 चौके की सहायता से। और ये देखो जगह बनाए और खेल भी दिया, लेकिन सीधे फील्डर के पास खेला था बिना कोई रन के लिए। इस बार संभाल करके खेला है। ये यहाँ देखो थर्ड मैन रीजन में गेंद आती हुई 1 रन के साथ उन्हें बल्लेबाज ने अपने छोर बदली किए। तो ये बाई के रूप में 1 रन आता हुआ 15 टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 विदाउट लॉस। दूसरे ओवर में इस बार जगह बनाई लेकिन वहां पे पॉइंट के फील्डर चुस्त तंदुरुस्त खड़े हुए। दो ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन 8 की औसत से 16 रन है, और अच्छी यहाँ पे दोनों टीम जो है अच्छी क्रिकेट यहाँ पे खेलती हुई। टंडेल 11 टॉस जीता था, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, इसके जवाब में 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचता हुआ 16 रन। दो 12 रन और 16 रन सोहिल टंडे लाए गेंदबाजी करने के लिए। और ये बहुत ही सुंदर शुरुआत यहां पे तीसरे ओवर, लेकिन उतनी ही तेज रफ्तार से जबरदस्त फील्डिंग यहां पे फील्डर के द्वारा 18 पे पहुंचे हैं। शुरुआत यहां पे 2 रनों के साथ आकर्षक शुरुआत यहां पे हुई है। व्हाइट बॉल यहां पे एक्स्ट्रा का भी, यहां पे देखो व्हाइट का भी खाता खुलता हुआ 19 रन आगे बढ़ता हुआ टीम का स्कोर। इस बार हल्के से खेला था 1 रन के लिए लॉन्ग रन के फील्डर के पास 1 रन मिल जाएगा यहाँ पे। 21 टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ तीसरे ओवर में 20 रन। फिर से उसी दिशा में उसी फील्डर के पास यहाँ पे गेंद को भेजा है
और देखो क्या कमाल की यहाँ पे बल्लेबाजी, टॉस जीता था टंडेल इलेवन ने, उसके जवाब में यहाँ पे तीसरे ओवर में 21 रन, 7 से अधिक रनों की औसत के साथ ये बड़ा हिट मारने का प्रयास, लेकिन फिर से उसी उसी दिशा में उसी फील्डर के पास लगातार 3 गेंदे यहां पे आई और सुंदर यहां पे फील्डिंग का यहां पे प्रदर्शन पिकू भाई के द्वारा, बहुत ही सुंदर। और इस बार वासीफ में निकाला है चौका। चार के साथ 26। सुंदर यहां पे वापसी गेंदबाज के द्वारा, तीन ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचता हुआ 9 की औसत से 27 रन। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 9 की औसत से 27 रन, 9 गेंदों में 13 रन अरुण भाई, और वहां 9 गेंदों में 12 रन बनाए हैं प्रभात ने बल्लेबाजी करते हुए। सोहिल ने अपने 2 ओवर के कोटे को कंप्लीट कर दिया, 2 ओवर में थोड़े से महंगे साबित हुए, 11.5 की औसत से यहां पे 23 रन दे दिए। वहां पे चेतन टंडेल ने 1 ओवर में 3 रन। तो 27 पे 1 यहाँ पे विकेट गिरता हुआ, काफी अच्छी बल्लेबाजी हो रही थी यहाँ पे प्रभात और अरुण भाई के द्वारा, और वहां पे प्रभात आउट हो गया। और इसी के साथ देखो नए बल्लेबाज यहाँ पे भाविक भाई पटेल, बड़े बॉय यहाँ पे पधार चुके हैं अपनी पहली इसके पहले वाले मैच में। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, बहुत अच्छी कैचिंग करी थी, वो आ गए हैं प्रभात। सुंदर खेला है डक से बाहर निकले यहां पे 1 रन के साथ खाता खोला है, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 पे 1, 28 for 1। सुंदर कलात्मक स्ट्रोक है यहां पे, लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला था, 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज ने अपने अपने छोर बदली किए और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3.3 के बाद 29 पे 1। इस बार बड़ा हिट पाने का प्रयास किया है, क्या ये मिलेंगे रन? जी नहीं, वहां पे 4 ही मिलेंगे, 6 नहीं मिल पाएंगे। बहुत ही सुंदर आला कमाल की यहाँ पे बल्लेबाजी देखने को मिल रही है।
समाप्ति के बाद 10 की औसत से 40 रन एक विकेट के नुकसान पर। देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छी शुरुआत, फिर से एक बार पहली चार में मारे है दरम इलेवन ने 40 रन। हवे हमने चालू ऊपर से फरी थी बैक टू बैक 100 अपनी टीम को ले जाने के लिए। अब आने वाली चार ओवर में 60 रन चाहिए तब ये सैकड़ा अपना जो है पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल दोनों बल्लेबाजों ने जम के कदम रखे हैं। अरुण भाई 10 गेंदों पे 14 रन एक छक्के की सहायता से, और वहीं पे भाविक भाई जो है 4 गेंदों में 12 एक चौका एक छक्का पड़ा है उनके बल्ले से। संदीप भाई आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, स्ट्राइक पर है अरुण 10 में 14 भाविक भाई। हाँ और ये देखो यहाँ पे भाविक भाई बड़े बॉय, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी उनके द्वारा। ये बड़ा हिट है लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में, और फील्डर भाई थोड़ी सी भूल करी गया। आसान सा कैच उनके हाथों में आ रहा था लेकिन यहाँ पे आसान कैच छूट जाया करते, और ये सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए अंपायर का इशारा आता हुआ 4 के साथ आगे बढ़ते हैं 44 पे। ये अच्छा शॉट है, पिनल भाई एक्शन में है लेकिन क्या करेंगे, कोई यहाँ पे ये देखो 2 यहाँ पे सिक्सर आ रहा था, 2 दर्शक जो है कैच करना चाह हाथ में 22 भाविक पटेल, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी 2 छक्के 2 चौके और ये 50 रन यहां पे होता हुआ। पीकू भाई पीनल भाई यहां पे तो फील्डिंग के लिए तो वहां पे तैयारी खड़े थे कि हम कैच कर लेंगे लेकिन क्या करें, उनके सर के ऊपर से निकल गई गेंद। एक और अच्छा माने का प्रयास किया था, अच्छे से बल्ले पे नहीं आई जरूर लेकिन एक रन यहाँ पे जरूर आएगा। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51 रन है टीम का स्कोर है। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पे देखने को मिलती हुई।
और इस बीच यहाँ पे अच्छा खेलने का प्रयास जरूर किया था बल्लेबाज ने, लेकिन यहाँ पे गेंद ने जो है बल्ले का बाहरी किनारा लिया, विकेट के पीछे विकेट कीपर ने कैच कर लिया और इसी के साथ ये विकेट गिरता हुआ विकेट नंबर 2। तो अच्छी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज के बीच में हो रही थी, लेकिन यहाँ पे ऐसी बॉल गिरी, सामने की ओर से दे मारना चाहते थे लेकिन ऐसा हो न सका और इसी के साथ आउट। अरुण भाई यहाँ पे आउट हो चुके हैं 51-2। और इस बार देखो आते ही धीरे से खेल लिया था, ये एक रन के लिए निकल पड़े, वैसे दूसरे रन के लिए खतरा भी था वहां पे, लेकिन बिना जोखिम उठाए सफलता नहीं मिलती, यूं ही सफलता बिना जोखिम उठाए नहीं मिलती। यहां पे थोड़ा सा जोखिम यहां पे जरूर उठाया और टीम का स्कोर इसी 2 रन के साथ पहुंचाया है 2 विकेट के अनुसार 53 रन। ओवर की समाप्ति ओवर नंबर 5 यहां पे समाप्त होता हुआ 53 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो बता दूं मैं आपको, फिर से अपडेट करा दूं, 53 रन 53 रन 2 विकेट के नुकसान पर 18 गेंदें आनी शेष है। पिछली मैच में यहां पे देखो धर्म इलेवन ने 103 रन बनाए थे, क्या उसका री रन होगा या नहीं, क्योंकि उन्होंने देखो पहले तो थोड़े से धीरे गए थे लेकिन बाद में जहां पे लास्ट आखिरी 3 ओवर जब बचे थे वहां पे धराधन बल्लेबाजी करी थी। अब आने वाला पल बताएगा, देख रहा है कि बैक टू बैक 100 बना पाते हैं या नहीं 8 ओवर का ये मुकाबला। 8 ओवर का ये मुकाबला है, 8 ओवर के मुकाबले में बैक टू बैक 100 कर पाते हैं या नहीं आने वाला पल बताएगा। फिलहाल देखो 47 रनों की आवश्यकता है बची हुई गेंदों में, यानी कि 18 गेंदों में 47 रन। प्रति ओवर 16 रनों की आवश्यकता है, देखना है कि नए गेंदबाज कौन आया है। टंडेल 11 की ओर से यहाँ पे 12वां खिलाड़ी हमें मिला नहीं है, अतिरिक्त खिलाड़ी बॉलर नो नाम ओड़खा तो नहीं, जरा जोर थी बोल जो कोई भी। करण भाई धन्यवाद। सुंदर शॉट, सटीक शॉट यहाँ पे, लेकिन सीधे फील्डर के पास। आप कितना भी अच्छा स्ट्रोक मारो, वो छक्का मारेगा तो चलेगा, सामने फील्डर खड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर चौका मारो तो आपको ये करना पड़ेगा कि प्लेसमेंट करना पड़ेगा। सही प्लेसमेंट आपको बहुत ज़्यादा रन दे जाती है, लेकिन प्लेसमेंट सही नहीं है तो चाहे कितना भी अच्छा स्ट्रोक आपका हो उसके ऊपर आपको एक ही रन मिलेगा। 54 टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। ये यहाँ पे देखो कमाल का शॉट, गोली की रफ्तार से गेंद यहाँ पे निकलती हुई 4 रनों के लिए।
और ये देखो यहाँ पे सूर्य आए यहाँ पे इनके जहन में और ये मारा है बहुत ही आकर्षक। उछलता हुआ स्कोर हो देखो इस फिर से इंप्रूवास करते हुए यहां पे सूर्या स्टाइल फिर से एक बार यहां पे बल्लेबाज ने वाओ यहां पे 7070। हुआ ये पहला वाला इस टूर्नामेंट का पहला वाला हर्षल भाई के बल्ले से निकलता हुआ और सबसे बड़ी बात बता दूं हर्षल भाई की हैट्रिक विकेट भी ली है और हैट्रिक सिक्सर भी मारा है अकेले खिलाड़ी है हरफन मौला खिलाड़ी वाह। और ये देखो अगली बॉल देखो बहुत अच्छी वापसी यहां पे गेंदबाज के द्वारा बहुत ही अच्छी वापसी यहां पे 77 रन टीम का स्कोर है 12 गेंदे आनी शेष है 77 रन है 12 गेंदे आनी शेष है। अब देखना है कि सैकड़ा फिर से कंटिन्यू मारने के लिए चाहिए रन 23। विकेट बहुत सारी हाथों में है 23 रन चाहिए लगातार बैक टू बैक टीम का जो है ग्रुप स्कोर 100 बनाने के लिए। हर्षल भाई देखो यहां पे 6 गेंदों में 24 मारे आए हर्षल भाई और छाए एक चौका 3 छक्के लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के और हैट्रिक विकेट हैट्रिक छक्के लेने मारने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और वहां सामने की ओर भाविक भाई जो है जिन्होंने भी 24 मारे हैं वो भी सिर्फ 9 गेंदों में 2 छक्के 2 चौके। और यहाँ पे नई बॉल का यहाँ पे स्वागत किया है ये 6 के लिए अब ये तीसरा सिक्सर के लिए बल्लेबाजी करेंगे लगातार 2 छक्के और ये तीसरे सिक्सर के लिए बड़े बॉय भाविक भाई तीसरे छक्के के लिए लगातार ये यहाँ पे तीसरे छक्के ले के लिए 89 टीम का स्कोर है 89। इस बार चुके लेकिन यहाँ पे आएगा चौका जरूर। हेलो वॉल्यूम करो थोड़ा प्लीज बात सुन लो। अब से जो हैड्रिक सिक्स के ऊपर 2100 का इनाम था और हैड्रिक विकेट के ऊपर जो इनाम था वो अब दुगना होता हुआ जाता हुआ इसमीरा जिग्नेश भाई डाया भाई पटेल की ओर से
हर्षल को हैट्रिक सिक्स का इनाम 2100 रुपया और जो भी हैट्रिक विकेट लगा अभी से और हर्षल के हैट्रिक सिक्सर गिनी जाएगी उसमें तो उसका 2100 रुपये का इनाम दिया जाएगा इसमीरा जिग्नेश भाई डाया भाई पटेल की ओर से। थैंक यू, धन्यवाद। तो देखो यहाँ पे कहाँ हम खड़े थे और पहुंच गए कहाँ पे, कहाँ खड़े थे कहाँ पे पहुंच गए, 93 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जिसमें ताबड़तोड़ बल्लेबाजी है, 13 गेंदों पे 40, भाविक भाई बर्थडे बॉय, और वहां पे हर्षल भाई जिन्होंने 6 गेंदों में 24 मारे हैं। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे, अच्छी वापसी। तो मैं बता दूं कि जो भी हैट्रिक विकेट लेगा हैट्रिक सिक्सर मारेगा। फैंसी फैमिली की ओर से तो इनाम 2100 का है, लेकिन इसमीरा जिग्नेश भाई डाया भाई पटेल जेडी किंग के ऑनर की तरफ से 2100 रुपए का नगद पुरस्कार। अगली गेंद और इस बार बीट हुए, कीपर ने अपना काम पूरा किया और हर्षल की सिक्स हैट्रिक सिक्स बिल्कुल जिग्नेश भाई देख रहे तो वहीं से उन्होंने ये अनाउंस करवाया है कि आपकी हैट्रिक सिक्स का अनाउंस इनाम आपको दिया जाएगा इसमीरा जिग्नेश भाई डाया भाई पटेल जेडी किंग के ऑनर की ओर से। थैंक यू जिग्नेश भाई। तो मैं बता दूं यहां पे देखो 7 ओवर पूरे हो चुके, 7 ओवर की समाप्ति के बाद 93 रन, लग रहा था पहाड़ सा स्कोर जो है तय करना है, लेकिन कहते हैं ना क्या मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है, उड़ान बनी है बड्डे बॉय के बल्ले से, रन बने हैं 15 गेंदों में 40 बने हैं, 3 चौके और 4 छक्के, और वहीं सामने हर्षल भाई जिन्होंने लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के मारे हैं, उन्होंने 6 गेंदों में बनाए थे 24 रन। अब बड्डे भाई के पास भी मौका है यहाँ पे 50 बनाने का, देखना है कि इस टूर्नामेंट में एक ही बल्लेबाज ने बनाया है, अब ये दूसरे बन सकते हैं या नहीं आने वाला पल बताएगा, और यहाँ पे 100 के लिए 7 रनों की आवश्यकता है ग्रुप स्कोर। ये पहली बॉल पिनर के द्वारा 1 रन के लिए दौड़ पड़े हैं बैट्समैन, 194 रन टीम का स्कोर, आगे बढ़ता हुआ 94 2 विकेट के नुकसान पर, कमाल की बल्लेबाजी यहां पे। फिर से यहां पे अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी यहां पे, दोनों गेंदों पे बांधे रखा है दोनों बल्लेबाजों को, 95 टीम का स्कोर, आगे बढ़ता हुआ। ये बड़ा मारने का प्रयास किया यहां पे किया था, अभी देखना है चंद गेंदे बची है क्या ये 103 के आगे जाएगी या 100 पूरा करेगी, ये आने वाला पल बताएगा। सेकेंड लास्ट ओवर बहुत ही जबरदस्त रहा था बल्लेबाजी के मामले में, थर्ड लास्ट भी बहुत ही बढ़िया था, लेकिन ये लास्ट वाला देखो यहाँ पे कंट्रोल कर दिया है पिनल ने। और यहाँ पे देखो बल्ले पे नहीं आई है, लेकिन 1 रन जरूर आया है, 4 रनों की आवश्यकता है 100 पूरा करने के लिए। अभी मैं उठूंगा यहाँ पे माइक छोड़ूंगा। और ये हवा में आ गई है, हवा में आ गए, थोड़ा सा लेट खेल गया, लेकिन देखो यहाँ पे दूसरे के लिए दौड़े हैं और दूसरा भी यहाँ पे पूरा होता हुआ। आसिफ भाई रिव्यू माटे आओ। हाइट नो नो बोलना माटे जो आ बाजू 99 पे पहुंच चुके हैं, यानी 100 वाली बात तो आने वाली है, अगर यहां पे भी रुक जाते हैं तो 100 बनाने पड़ेंगे, ये बात होगी।
और इसी के साथ दो बॉल के साथ 100 कंप्लीट, लगातार बैक टू बैक 100। ये होता है हिंगराज मैदा के कप्तान और फैंसी 11 के कप्तान, प्लीज टॉस की कार्यवाही के लिए आ जावे। ये होता है, धर्म ने कहा था पहले दिन कि हम कर्म में मानते हैं और कर्म करेंगे, देखो यहां पे कर्म करते हुए। और इस बार फुल टॉस उठा करके मारा है, लॉगन के ऊपर से मारने का प्रयास किया है, एक रन के लिए निकले हैं, दूसरे रन के लिए भी बाहर निकले हैं, और ये देखो यहां पे दूसरा रन भी पूरा करते हुए, तो 102 पे और ये देखो सूर्या स्टाइल यहां पे, और ये यहां पे फिर से देखो मिलेगा बोनस 100 इस टूर्नामेंट का, देखो ये हाईएस्ट यहां पे होता हुआ 104 पे पहुंचे हैं, बैक टू बैक यहां पे 100 बनाए हैं। फील्डिंग का रिव्यू यहां पे आएगा, नो बॉल के साथ एक और रनों की यहां पे बढ़ोतरी होती हुई नसीब में हो तो क्या ही नहीं जतो यहां, बस तमे तमारो कर्म करिए राखो, कर्मणीय वादी का रस्ते वा फलेशु कदाचन। 104 बैक टू बैक देखो यहां पे 100 पार किया और ये नंबर वन बन गए हैं यहां पे 104 रन बना के, इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन बनाने में। भाई नवा बॉलर कौन आयो, करण भाई आए हैं, आखिरी बॉल करण करेंगे। और यहां पे कुछ रन मिलने वाला है, एक के लिए निकले हैं फिलहाल तो, दूसरे के लिए वापस लौटे हैं और ये दूसरा भी आसानी के साथ पूरा कर लिया। ये देखो दो विकेट के नुकसान पर, ये देखो यहाँ पे कितना रन यहाँ पे 106 बना लिए है और 107 रनों का लक्ष्य। हर्षल प्लीज, बड़े बॉय ने 18 गेंदों में 43 नॉट आउट मारे हैं, वहां पे 11 गेंदों में हर्षल पटेल ने मारे हैं 3 छक्के 1 चौके 31 रन बनाए। हर्षल प्लीज यहाँ आ जाए, हर्षल प्लीज जल्दी, टाइम कम है। तो इसमीरा जिग्नेश भाई, डाया भाई पटेल, जेडी किंग के ऑनर की ओर से बिल्कुल इनाम बाद में जाहिर हुआ था, लेकिन 3 6 इतने खूबसूरत थे कि जिसकी वजह से यूट्यूब लाइव, जिग्नेश भाई थैंक यू, धन्यवाद। और हर्षल पटेल को 3 सिक्सर के लिए 2100 का नकद पुरस्कार दिया गया।
थैंक यू, वेल प्लेड। अच्छा मैं बता दूं कि ये जो इनाम है जिग्नेश भाई स्मीरा, जिग्नेश भाई डाया भाई पटेल, जेडी किंग के ऑनर की ओर से, अब जो भी सिक्सर या जो भी हेडिंग विकेट होगी आज के बाद और अभी से, तो उसका इनाम फाइनल मुकाबले में दिया जाएगा, ठीक है। और फैंसी का जो इनाम है, फैंसी फैमिली का जो इनाम है, हर्षल पटेल ने हेडिंग विकेट भी लिया, हेडिंग सिक्स, वो आपको फाइनल में दिया जाएगा। फाइनल के दिन आखिरी सेरेमनी, फाइनल सेरेमनी होगी, उसी में आपको जितने भी गेंदबाज बल्लेबाज हेडिंग विकेट या हेडिंग सिक्सर मारेंगे उनको वो इनाम दिया जाएगा। अब दूसरी बात जब बता दूं कि यहाँ धर्म इलेवन ने बैक टू बैक सेंचुरी लगाई पूरी टीम ने मिलकर, और वहीं अच्छी पारी खेली बड़े बॉय विवेक, बहुत ही लाजवाब खूबसूरत पारी, नाबाद पारी, और वहीं इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर, सर्वश्रेष्ठ स्कोर 103 के ऊपर बना था सुबह में 103, और अभी बना है 106 बना है। तो फैंसी के कप्तान और हिंगराज माता के कप्तान प्लीज कॉमेडी बॉक्स में टॉस की कार्यवाही के लिए आ जावे। डैनियल आ जाओ, डैनियल तो हमारे कमेंटेटर, प्रोफेशनल कमेंटेटर जो बिल्कुल सरिगाम से आते हैं, तो अभी उनका लंच का टाइम है, तो वो आएंगे टॉस की कार्यवाही करेंगे फैंसी इलेवन वर्सेस हिंगराज माता के बीच। इसके अलावा है तो हिंगराज माता टॉस जीती है, जानना चाहूंगा जीतू भाई टॉस जीतने के बाद आपका निर्णय क्या है और आपका कुछ रणनीति रहेगी इस मैच में, क्योंकि सामने जो कहते हैं हम तो डूबे सनम तुमके ले डूबेंगे, लेकिन अभी भी आपके पास एक मौका है लगातार जीतने का, फैंसी को फैंसी टक्कर देने का, तो क्या कुछ कहेंगे? हम जीतने की कोशिश करेंगे, 90-100 रन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सुबह से वही स्कोर चला है। वहीं डैनियल से पूछना चाहूंगा, बहुत ही अच्छी स्पीच देते हैं डैनियल, तो आपकी टीम तो वैसे भी लय में है, तो क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी टीम की? हम 50-60 रन पे उसको पहली बैटिंग इसलिए रोकना चाहेंगे, ज्यादा से ज्यादा रन स्कोर करना नहीं चाहेंगे। ओके थैंक यू, धन्यवाद। तो हिंगराज माता वन द टॉस, इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। और पहली गेंद फुल टॉस गेंद, प्रज्ञेश को गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर, अंपायर का इशारा आएगा चार। संदीप पहली गेंद बेस वैक से स्वागत, चौके से खाता खुला है, और इस बार पॉइंट के बल्लेबाज के सर के ऊपर से, धर्म के सर के ऊपर से चौका बटोरा है, और इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। कितने का टारगेट है भाई? 107, बहुत ही बड़ा लक्ष्य इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर धर्म इलेवन के नाम। और इस बार जड़ में डाली गई गेंद, फील्डर वहां मौजूद है मिड ऑफ पर, आसानी से एक रन चुरा लिया ध्रुव और प्रज्ञेश की जोड़ी, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत दोनों बल्लेबाज है। अब यहां से तंडेल इलेवन को अगर जीतना है तो 107 रन बनाने होंगे, बहुत ही बड़ा लक्ष्य है, लेकिन क्रिकेट में लक्ष्य कोई मायने नहीं रखता, कुछ भी हो सकता है।
और इस बीच अच्छी गेंद, हल्की सी अपील, और अभी भी इस ओवर से दो गेंद आनी शेष। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर चौका, उसके बाद सिंगल, उसके बाद डॉट। ध्रुव अच्छे बल्लेबाज है, ध्रुव और इस बार बाहरी किनारा है, गेंद घूमेगी, टप्पा खाने के बाद फील्डर वहां मौजूद, एक रन से रोक नहीं पाएंगे, अपना खाता खोला, टीम का स्कोर दो अंकों पर पहुंचा है 1-0-10 बिना किसी नुकसान के। टंडेल 11 ऑन दिस ग्राउंड, बिल्कुल नेताजी सुभाष चंद्र बोस ग्राउंड डाबेल, बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड है। ग्रुप ए के मुकाबले शुरू है और उसमें आज हरपति समाज ने अपना आखिरी मुकाबला खेला है, और इस बीच अच्छी गेंद बिल्कुल थोड़ी सी नीची रही, ओवर की समाप्ति, एक ओवर के बाद रुका हुआ स्कोर 10 रन बिना किसी नुकसान के टंडेल 11। जहां तक बात करूं क्रिकेट की और क्रिकेट इतिहास की, तो सबसे ज्यादा क्रिकेट के महागुरु जिन्होंने हमें जीत का मंत्र सिखाया, क्या तो जीतना कैसे, तो क्रिकेट के महागुरु कपिल देव, वो 1983 जिम्बाब्वे के सामने वाली मैच जब इंडिया की 50 या 55 या 65 पर 5 विकेट गिर चुकी थी, और उसके बाद किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी कि कपिल देव नहाने गया था, नहाकर आने के बाद 17-5 कितनी 17-5 और कपिल देव ने आकर वो 175 वाली जो पारी खेली थी जीतने का मंत्र, और उस जीत ने इंडिया को 1983 में वर्ल्ड चैंपियन बनाया। उसके बाद लगातार जीतने का मंत्र हमारे सर महेंद्र सिंह धोनी ने बनाया कि लगातार आप टेस्ट चैंपियन, आप वनडे चैंपियन, आप T20 चैंपियन, आप IPL के चैंपियन, तो महेंद्र सिंह धोनी ने सिखाया वो चैंपियन बनना, और हमेशा पहले पायदान पर रहना हमें सिखाया सर विराट कोहली ने, टेस्ट में हो, वनडे में हो, T20 में हो, भारत हमेशा पहले नंबर पर। उसके बाद ये टूर्नामेंट आया, कलरफुल टूर्नामेंट, रंग बेरंगी टूर्नामेंट 2008 IPL, और इस बीच अच्छी गेंद जड़ में डाली गई थी, ब्लॉक में डाली गई थी, आसानी से एक रन चुरा लिया। तो IPL की शुरुआत 2008 से हुई, ललित मोदी जी ने रंग बेरंगी कलरफुल टूर्नामेंट ओपन किए हैं, उसके बाद ये टीम है, सामने आप पोस्टर देख सकते हो, बिल्कुल कलरफुल ड्रेस में खड़ी है। उसके 2008 के बाद ललित मोदी जी गायब हो गए, पूरे भारत की पुलिस ढूंढती रही, लेकिन हमारी सुष्मिता सेन ने उनको ढूंढ लिया, तो बहुत ही लाजवाब है, क्रिकेट की हिस्ट्री है बहुत ही खूबसूरत, और यही टूर्नामेंट फैंसी कलरफुल टूर्नामेंट। और इसमें थोड़ी सी गेंद ने उछालती, फील्डर वहां मौजूद है उपेन, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर। अच्छी गेंद, मनोज भाई लकी नंबर 9, बहुत ही ज्यादा अनुभव, बहुत ही खुश मिजाज इंसान। वहीं प्रज्ञेश की बात करूं तो मेरे अच्छे खासे दोस्त मित्र है, लेकिन उनका बल्ला इस फैंसी कप में बिल्कुल खामोश है। और इस बार मिडल ऑफ द बैट, बिल्कुल गेंद जाएगी सीमा रेखा के पार, अंपायर का इशारा आएगा 6 रनों का। जैसे ही बोला कि बल्ला हल्ला नहीं बोला है, तो आग उगलने लगा इनका बल्ला। और इस बार मस्तक पे दस्तक देती हुई गेंद, और वहां फील्डर मौजूद, कोई गलती नहीं करेंगे, शायद वहां मौजूद थे हर्षल, हर्षल ने खूबसूरत कैच।
बिल्कुल अपने युवाओं को लेकर चलने वाले बहुत खुश मिजाज इंसान, बहुत ही अच्छे इंसान है ये, और सबके साथ मिलजुल कर हंसी खुशी के साथ एक व्यवहार बनाते हैं। सबके साथ अच्छा व्यवहार करना इनका मन पसंद चॉइस है। बहुत ही अच्छे इंसान है सनील सब्बा, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्रिकेट बहुत ज्यादा करीब से खेलते हैं ये। और इस बीच गली और पॉइंट के बीच में से गैप ढूंढना चाहते थे, लेकिन वहां मौजूद फील्डर धर्म और उनके साथी एक जुट बन चुकी, एक टीम बन चुकी है। कहते कि लकड़ी की एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, लेकिन 11 लकड़ी एक साथ जमा कर ली जावे तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो उसी तरीके से धर्म 11 बिल्कुल एक जुट होकर कप्तान का, अपने गेंदबाज का, अपने कीपर का, अपने बल्लेबाज का, अपने फील्डर का, सबका राय मशवरा लेकर। मैंने देखा है सुबह में हर खेमे में हम जाते रहते हैं तो सारू की बातें सुनने मिलती है, चाहे वो टंडेल का खेमा हो, चाहे वो कामनी समाज का खेमा हो, उत्तर भारतीय का खेमा हो, हरपति समाज का खेमा हो, सारे खेमे में। लेकिन सबका एक अलग अलग अंदाज होता है हर कप्तान का समझाने का। जो कप्तान जीतता है वो खुशी के मारे अपने लड़कों को, अपने खिलाड़ियों को और प्यार से समझाता है, और जो थोड़ी बहुत हार मान जाता है तो वो कप्तान थोड़ा सा अपने फील्डरों के लिए थोड़ा कड़क भी होता है, थोड़ा सा कड़कपन भी दिखाना है, लेकिन वो अपने डग आउट तक ग्राउंड में बिल्कुल एक दोस्ताना, एक प्यार भरा भाईचारा दिखाए आए है। उपेन गेंदबाजी के लिए तैयार। और इस बीच अच्छी गेंद थी, आप देखेंगे शायद उपेन को आप YouTube में उनका बॉलिंग एक्शन देख सकते हैं। तीन उंगलियों के बीच गेंद पकड़ते हैं, हल्का सा रनर अप, और क्या खूबसूरत तरीके से गेंद को घुमाते हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं YouTube में, आप रिप्ले में देखो उनका जो एक्शन है हमें नजर आ रहा है। मैंने तो टीवी में नहीं देखा, मैं उनको लाइव देख रहा हूँ, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। वहीं सुनील सब्बा ने सिंगल निकाला है और स्कोर जा पहुंचा इसी के साथ 18 रन। और इस बार मिडल ऑफ द बैट, फील्डर वहां भाविक मौजूद, बड़े बॉय, लेकिन कैच आज उन्होंने दूसरी बार ड्रॉप किया है, कैच पकड़ना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ, बल्लेबाजी में दम कम है, फील्डिंग में थोड़े हाथों में शायद कुछ तेल की मालिश सर में ज्यादा करी थी तो गेंद सरक जाती है उनकी हाथों से, बल्ले से नहीं सरकती, बल्ले से बहुत दूर जाती है, बल्लेबाजी में एक नंबर है भाविक। लेकिन फील्डिंग के लिए आपको रविंद्र जाडेजा के बाद ट्रिक लेनी होगी कि कैसे आपको गेंद पकड़ना है। और इस बार घूम कर खेलना चाहते थे आसानी से एक रन चुरा लिया, और इसी एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन 20 रन। ध्रुव ध्रुव को बड़े हिट खेलनी होगी, बड़ी पारी खेलनी होगी, युवा है प्रतिभाशाली बल्लेबाज। और इस बार आसानी से एक रन ले गए और एक ही रन से संतोष करेंगे 21 रन। हर्षल आज बहुत खुश होंगे, कप्तान है टीम के, अच्छी पारी आई उनके बल्ले से, 6 गेंदों में 24 रन, क्या धुआंधार पारी, शायद उनका फल भी उनको मिल चुका है। अगली गेंद उपेन की, और इस बार बिल्कुल टेढ़ी उंगली से घी निकाला है, बहुत ही लाजवाब। मेहमानों की मेहमान नवाजी अगर करना और जानना और सीखना हो तो फैंसी फैमिली से सीखे। क्या खूबसूरत फैंसी कप, क्या खूबसूरत फैंसी ग्राउंड, और क्या लजीज फैंसी खाना था, दिल खुश हो गया। ऐसा लग रहा था कि हम किसी होटल में बैठकर खाने के मजे ले रहे थे, खूबसूरत खाना बनाया था, लजीज।
और इस बार ओ माय गॉड, सुनील सब्बा ये क्या था, पैरों में चोट है लेकिन बल्ले में चोट नहीं आई, लगाया एक बड़ा हिट बिल्कुल। थर्टी टू रन, वेल डन सुनील भाई। इस शॉट को देखकर जितना खाने में मजा था इतना ज्यादा इस शॉट में भी मजा था देखने में, बहुत ही खूबसूरत शानदार करारा चाबुक जमीन से नहीं बल्कि फलक को छूती हुई वो शॉट बिल्कुल लॉन्ग लेग की दिशा में, ऐसे शॉट खेलना बहुत मुश्किल है। शायद हर्षल ने भी इसी तरीके का एक शॉट मारा था जब उन्होंने हैट्रिक छक्के मारे थे और उसका दूसरा सिक्सर जब शायद उन्होंने भी वो घिर कर वो सिक्सर लगाया था। लेकिन तारीफ करूंगा मैं आज सुनील की, सुनील सब्बा की, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस कम है और प्रैक्टिस के बगैर यहाँ आप सीधा यूके से आए और सीधा ग्राउंड के ऊपर, तो अच्छी बल्लेबाजी अपने देश को ना भूले ना अपने क्रिकेट को भूले है। और इस बार है ध्रुव, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बिल्कुल करीब, वन बाउंस लेकिन फील्डर वहां मौजूद, आसान सी फील्डिंग, अपनी टीम के लिए तीन रन बचाए और स्कोर जा पहुंचा इसी एक रन की मदद से 33 रन एक विकेट के नुकसान पर। इसी तरीके की अगर बल्लेबाजी करेंगे सुनील सब्बा तो लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं आप। और इस बार एक बार फिर से टेढ़ी उंगली करना चाहते थे, बल्ला को टेढ़ा किया था लेकिन चकमा दे गई गेंद, कीपर ने अपना काम पूरा किया। कीपर 106 अरुण भाई बहुत ही खूबसूरत कीपिंग करते, अभी तक इनके हाथों से गेंद छूटी नहीं है। जहां तक बड़े भाई की बात करूं तो विवेक भाविक भाई ने एक दो कैच छोड़े आज। और इस बार स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, सीधे बल्ले पर गेंद आई नहीं, आसानी से एक रन मिलेगा और इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। ध्रुव और ध्रुव तंडेल और सुनील तंडेल दोनों ही अच्छे बल्लेबाज है, तंडेल 11 की ओर से। इस बार डाउन द ग्राउंड शॉट, चलते हल्के कदमों से एक रन चुराते हुए दोनों ही बल्लेबाज और इसी एक रन की मदद से इसको बताओ 35 रन एक विकेट के नुकसान पर तंडेल 11। पारी का ये चौथा ओवर प्रगति पर है, दो गेंद बाकी है। मैं अपने ड्रिंक्स ले जाने वाले भाइयों से गुजारिश करूंगा कि तैयार रहे। और इस बार थोड़ी सी ऊपर गेंद थी, बिल्कुल अंपायर का इशारा भी आया है कि ऊपर लगी थी। मैं आपको बता दूं बार बार कहते रहता हूँ कि टेनिस गेंद है, लेदर गेंद में गेंद थोड़ी नीची रहती है, वहाँ आप एलबी देना थोड़ा आसान रहता है, लेकिन टेनिस गेंद उसके बिल मुकाबले कुछ ज़्यादा ही बाउंस और उछाल प्राप्त होती है, तो यहाँ आपको आउट नहीं मिलेगा और वहाँ एक छाप छूट जाती कि उसमें पैड पहनना पड़ता है। इसमें आदमी बगैर कुछ पहने खाली गार्ड के अलावा कुछ पहनता नहीं है, तो आपको डायरेक्ट आउट नहीं मिलेगा। और इस बार कहीं भी निगाह है, कहीं भी निशाना, खेलना चाहते थे लेग की दिशा में, गई मस्तक पे दस्तक देती हुई गेंद, बिल्कुल स्ट्रेट आई शॉट, आसानी से एक रन चुरा लिया। ओवर की समाप्ति, ड्रिंक्स ब्रेक का टाइम और हम जाएंगे डीजे मास्टर की ओर, कि प्लीज बर्थडे बॉय के लिए एक बर्थडे वाला गाना हो जाना चाहिए। बर्थडे की मुबारकबाद देती है और आपके लिए एक बर्थडे का सॉन्ग बज जाएगा।
भूपेन तैयार है गेंदबाजी के लिए, सामने अगले सुनील सब्बा। और इस बार बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत शॉट, फील्डर वहां मौजूद है, प्रभात को चकमा दे गई ये गेंद, रोकी गई थी गेंद लेकिन बहुत ही तेजी गोली की रफ्तार से बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत शॉट, डाउन द ग्राउंड शॉट, चौका। अगली गेंद उपेन की सामना करेंगे सलील सब्बा। और यहां विकेट का पतन, उपेन पिछली मैच के हीरो। पकड़ा विकेट का पतन, सुहेल भाई आए नए बल्लेबाज। उपेन जिन्होंने पिछले मुकाबले में 2 ओवर में 13 रन देकर 4 विकेट ली थी, अभी भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए बड़ी मछली जाल में फंसाई। और इस बार अच्छी गेंद थी जड़ में डाली गई, ब्लॉक हॉल में आसानी से 1 रन चुरा लिया और दूसरे रन का कॉल है, मना किया ध्रुव को और इसी 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर। भारी का ये 5वां ओवर है और बहुत ही बड़ा लक्ष्य चेज करना है, 107 रन बनाने हैं। और मैं बता दूं जिस तरह से इंडियन टीम में यूसुफ पठान, इरफान पठान, तो इसी तरीके से सोहिल तंडेल और ध्रुव तंडेल, बड़े मियां तो बड़े मियां छोटे मियां, सुभान अल्लाह। और इस बार अच्छी गेंद थी, अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया उपेन ने। दर्शकों को बता दूं कि तंडेल समाज की ओर से दोनों भाई खेलते हैं, सोहिल भाई बड़े भाई है, ध्रुव उनके छोटे भाई है। और इस बीच अच्छी गेंद लेकिन थोड़ी सी दूरी थी गेंद में, अंपायर का इशारा आएगा व्हाइट का, अतिरिक्त से स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन 42 रन। और यहां साजन मौजूद है तो फिर कोई बात नहीं, बिल्कुल सेफ हैं साजन के। नहीं बल्लेबाज राहुल, बता दूं कि हैट्रिक विकेट लेने वाले को, हैट्रिक सिक्सर लगाने वाले को फैंसी फैमिली की ओर से 2100 रुपए का नकद पुरस्कार है, लेकिन उसमें एक नाम और जुड़ गया है, जीडी किंग के ऑनर इसमीरा जिग्नेश भाई डाया भाई पटेल,
जेडी किंग के ऑनर, उनकी तरफ से हर सिक्स हैट्रिक सिक्स के लिए और हर हैट्रिक विकेट के लिए 2100 रुपए का नकद पुरस्कार फाइनल के दिन दिया जाएगा। और इस बार मिडल ऑफ द बैट, गेंद बिल्कुल सीमा रेखा के करीब फील्ड की गई, अच्छी फील्डिंग, आसानी से एक रन चुरा लिया। और मैं बता दूं कि हर्षल ने जो 3 सिक्स मारे थे तो इसमें राज इग्निस भाई डाया भाई पटेल की ओर से उनको 2100 का नकद पुरस्कार दे दिया गया है। थैंक यू जिग्नेश भाई पटेल। इसी तरीके से हमारे सारे सपोर्टरों का भी धन्यवाद, खास करके फैंसी फैमिली की टीम बिल्कुल यहाँ मौजूद, सुबह से लेकर शाम तक हर वक्त हमारे ग्राउंड स्टाफ सबका मैं धन्यवाद थैंक यू करता हूँ कि बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और उसी तरीके से पूरी फैंसी फैमिली के बैंड कार्यकर्ता श्री गौरांग भाई, लालू भाई पटेल जो बिल्कुल कल पधारे थे हमारे बीच अपना कीमती वक्त लेकर, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरीके सारे युवाओं का और सारे दर्शकों का, दर्शकों को कह दूं कि आने वाली 11 तारीख को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा जिसमें आखिरी कैच इस फैंसी कप का जो भी पकड़ेगा उसको 11111 का इनाम दर्शकों के नाम होगा। और अभी जो कैच पकड़ेगा उसके लिए फैंसी वॉच हाथों में पहनने के लिए और अपना टाइम सुधारने के लिए, बुरा वक्त खत्म करने के लिए फैंसी वॉच अपने हाथों पे पहने और अपनी किस्मत बदलिए, बहुत ही लाजवाब। और इस भी अच्छी गेंद बल्ले के बीचों बीच आई थी, आसानी से एक रन चुरा लिया। हर्षल आया गेंदबाजी के लिए, मैं डीजे मास्टर का भी शुक्रिया करूंगा, यूट्यूब वालों का भी शुक्रिया अदा करूंगा, ग्राउंड स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करूंगा, हमारे मैनुअल स्कोरर और हमारे ऑनलाइन स्कोरर सभी का तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूं, हमारे प्रोफेशनल कमेंटेटर का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, वहीं ग्राउंड स्टाफ जो सुबह सुबह पिच बनाते हैं उनके लिए भी तहे दिल से शुक्रिया मैं कहता हूं। और इस बीच आसान सा कैच, प्रभात वहां मौजूद, विकेट का पतन, सुहेल तंडेल ने अपना विकेट गवाया, पहले छोटे भाई ने उसके बाद बड़े भाई ने, दोनों भाई ने बारी बारी अपना विकेट गवाया। और मिलने वाली हर्षल को ऑल एक सफलता, और बिल्कुल आप देख सकते हैं श्री गौरांग भाई लालू भाई पटेल का जो फोटो लगा है सामने, बिल्कुल ब्लैक कोट में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, वहां से दूर से देखने वालों को लगेगा कि ये कोई सेलिब्रिटी है, लेकिन मैं बता दूं कि हमारे युवाओं की दिलों की धड़कन है गौरांग भाई लालू भाई पटेल, बिल्कुल चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है और अपने युवाओं के बीच हमेशा जब जब मौका मिला इन्होंने अपने आप को सामने रखा है और लोगों से अच्छी तरीके सबकी तकलीफें तो दूर करना ही उनका काम है, लेकिन सबका साथ देना उनका काम है, युवा उनके साथ जुड़ रहे और हम कहते हैं फैंसी फैमिली के साथ जुड़ते रहे और फैंसी कप में भी अपना हिस्सा बनाए रखे और दर्शक भी यहां आते रहे ताकि पता चले फैंसी फैमिली क्या है। नए बल्लेबाज आए हैं जानना चाहूंगा, स्वप्निल तंडेल लंबे चौड़े गत के हट्टे कट्टे, और पहली गेंद पर उठाकर खेला है, फील्डर नीचे मौजूद है और आसान सा कैच, गलती नहीं होगी यहां। और यहाँ एक बार फिर से हर्षल भाई क्या हैट्रिक का खाता और एक बार खोलेंगे, और कैच बहुत ही लाजवाब भाविक ने पकड़ा, सॉरी भाविक नहीं है भाई, नाम बताओ जो क्रिश, क्रिश बल्लेबाजी के लिए आए हैं, फील्डर का नाम जानना चाहता था मैं, उपेन, उपेन वो कैप पहने तो पता नहीं चलता, आप कैप निकाल के ही फील्डिंग करें तो हमें पसंद आएगा,
नजर आएगा कि आप उपेन भाई है। थोड़ा सा कंफ्यूज था भाविक और उपेन के बीच। हैट्रिक बॉल के लिए हर्षल, क्या एक बार फिर से फैंसी के इनाम के हकदार बनेंगे। और इस बार बाहरी किनारा, फील्डर वहां मौजूद है। आदत सी हो गई है हर्षल को हैट्रिक विकेट लेने की, शायद हैट्रिक सिक्सर भी लगा दिए। अभी तक आज चौथा दिन है, बड़ी बड़ी टीमें खेली है, लेकिन आप देख सकते हैं इस युवा गेंदबाज को, ये बिल्कुल बड़ी दमन का चमकता हुआ सितारा। बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, शायद इनको इससे पहले वाली टूर्नामेंट में बेस्ट फील्डर का भी अवार्ड मिला था मेरे ख्याल से, जब बड़ी दमन में मैं कॉमेंट्री कर रहा था। बहुत ही लाजवाब कैच पकड़ते हैं, और छोटे भाई उनके प्रभात जो बल्लेबाजी करते हैं। और इस बार कवर के ऊपर से गेंद को सीमा रेखा के पार भेजा है, चौका बटोरा यहां। बहुत ही लाजवाब खूबसूरत, जिस तरीके से सोहिल टंडेल और ध्रुव टंडेल, तो इस तरह की रफ्तार बहुत ज्यादा चाहिए। पांच ओवर की, छठे ओवर की आखिरी गेंद, 49 रन बने हैं। अपील की गई थी ओवर की समाप्ति, छह ओवर के बाद 49 रन, और इससे बेनिफिट मिलेगा, फायदा होगा जितना जल्दी हो सके इस मैच में कम से कम रन देंगे और विकेटें ज्यादा लेंगे तो ये भी बेनिफिट मिलेगा धर्म इलेवन को, क्योंकि उनका नेट रन रेट पिछले मैच में 37 रन से वो मैच जीता था, अब इस मैच में कितने रनों से जीती वो देखना है, क्योंकि अभी भी जीत के लिए हम देखने जाएंगे तो 58 रनों की जरूरत है आने वाली 12 गेंदों में, तो इस मैच में भी मेरे हिसाब से 45 या 40 रन से जीतेगी शायद धर्म इलेवन, तो नेट रन रेट इनका बहुत हाई लेवल पे चला जाएगा। संदीप, और इस बार क्रिश, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत शॉट। क्रिश के बारे में कहना चाहूंगा कि हम अक्सर थ्रो गेंदबाजी खेलते हैं कीले के बीच, तो उसमें अच्छी बल्लेबाजी करते क्रिश। 50 रन हो चुका है, और इस बीच अच्छी गेंद जड़ में डाली गई, आसानी से एक रन चुरा लिया। अब मैं अपने साथी कमेंटेटर रजनीकांत सर से कहूंगा कि आने वाली अगली 10 गेंदों का आंखों देखा हाल सुनाए। मैं बता दूं कि 50 के ऊपर 51 हो चुके हैं, रन जीतने के लिए चाहिए अभी भी 56 रन आने वाली 10 गेंदों में, और 5 विकेटें गिर चुकी है।
नए बल्लेबाज आए हैं पीनल। धन्यवाद उमर भाई। और ये देखो उनके लिए पहली बॉल, वाइट बॉल रही, वाइट बॉल के साथ एक रनों की बढ़ोतरी, यहाँ पे 52 रन टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52, 6 विकेट के नुकसान पर। रन हालांकि बहुत अच्छे बनाए जरूर है, लेकिन टारगेट तो बहुत ही बड़ा है, 55 रन चाहिए बची हुई गेंदों में, 8 गेंदों में 55 चाहिए। सारे छक्के मारेंगे तो भी काम नहीं हो सकता। इस बार बॉलर बैक ड्राइव मारा है एक रन के लिए, यहाँ पे दोनों बल्लेबाज ने अपने छोर बदली किए, इसी एक रन के जरिए टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53 रन। टीम का स्कोर है। संदीप भाई इस ओवर में आखिरी बार, हमसे दूर जाते, राइट आर्म ओवर, गुड ने टेक करके यहां पे मारा है, वाइड लॉन्गर के ऊपर से, यहां पे दर्शक को यहां पे कैच करने का मौका था, ये अच्छा शॉट 6 रनों के लिए, एफ आर आसिफ भाई का इशारा आता हुआ। रन बहुत ही ज्यादा मुश्किल यहां पे ये काम है, क्योंकि 6 के 6 छक्के मारोगे तो भी नहीं जीत पाओगे, ये वाली बात यहां पे आकर के खड़ी हो गई है। लेकिन ये एक बात होगी, यहां पे रनों का जो मार्जिन, हार के बीच में जो रनों का मार्जिन है वो कम होगा। देखना है कि सामने की ओर से गेंदबाजी करने के लिए कौन आएंगे। हर्षल आया है गेंदबाजी करने के लिए। हर्षल भाई ने 3 गेंदों में 3 छक्के, 3 गेंदों में 3 विकेट, ऐसी उपाधि जो है उन्होंने प्राप्त करी, उसके पहले भी देखो लगातार हैट्रिक पे लिए। कोशिश करते हुए पहली बॉल, यहां से पहली बॉल को गेंद को निकाल दिया है मिड विकेट रीजन में, एक रन के साथ बैट्समैन दौड़ पड़े और इसी एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 60 रन, 6060 यहाँ पे पहुंचता हुआ स्कोर। बहुत ही सुंदर यहाँ पे क्रिकेट देखने को मिल रहा है। फैंसी कप सीजन 4 पधारे हुए सभी महानुभाव एवं दर्शकों का हार्दिक स्वागत। और यहाँ पे देखो विकेट प्राप्त होती हुई, विकेट एक और हर्षल के खाते में, एक और विकेट यहाँ पे। तो 7वां विकेट यहां पे पतन होता हुआ, 7वां विकेट यहां पे गिरता हुआ, हल्का सा एज लगा था यहां पे, विकेट कीपर ने अच्छी सी कैच यहां पे हो रहा है। देखो परिणाम तो यहां पे कुछ है नहीं, जो है वो सामने दिख रहा है, लेकिन हर्षल पटेल का जो है परफॉर्मेंस बार बार यहां पे मजबूत बनता हुआ। चेतन आए हैं, चेतन टंडेल। और इस बार चेतन पटेल ने आते ही मारा है गेंद को, लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने का यहां पे प्रयास किया था और इसी के साथ एक और विकेट।
करण टंडेल, और ये हैट्रिक के लिए, हैट्रिक के लिए गेंदबाजी करी है व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल के साथ कभी कभी छोटी मोटी गलती हो जाया करती है। यहाँ पे फील्डिंग सजाई थी यहाँ पे ऑफ साइड में और गेंद चली गई लेग साइड में, व्हाइट बॉल के साथ अभी कंटिन्यू यहाँ पे जारी रहेगा। हर्षल के लिए हैट्रिक का मौका बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, लगातार वाइड यहां पे, एक और वाइड यहां पे होती हुई, पहले शायद ऐसा मौका था कि वाइड के बाद भी आपकी हैट्रिक जो है कंटिन्यू रहती थी। यहां पे देखो लगातार दो कर चुके हैं, यानी कि एज पर आईसीसी रूल यहां पे हैट्रिक के लिए आप दावेदार नहीं है, लेकिन लगातार विकेट आप ले सकते हैं, अपने परफॉर्मेंस को सुधार सकते हैं गेंदबाज हर्षल भाई एज पर नए रूल के हिसाब से। और इस बार देखो गैप में जाकर के गेंद गिरी है, हवा में जरूर थी यहां पे, लेकिन विकेट नहीं आएगी, एक रन मिलेगा। एक और फील्डर यहां पे सजा दिया था और यहां पे दो बॉल बाकी है और 44 चाहिए। मजाक से कहे तो दो गेंद में दो चौके मारे और साथ में कॉपी कट पेस्ट कर लो, 44 हो जाएंगे। आखिरी बॉल 44 रन जीत के लिए, और यहां पे देखो कुछ रन मिलने वाले हैं। ग्राउंड शॉट मारा है, एक तो यहां पे मिल गया और एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, यानी कि जो हार का मार्जिन जो है यहां पे कम हुआ है, हार का मार्जिन कम हुआ है। और फिर से एक बार हर्षल पटेल बनने वाले हैं, यानी कि बन गए हैं मैन ऑफ द मैच। हर्षल पटेल कम ऑन द स्टेज प्लीज, मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी, 4 विकेट और 6 गेंद।